गाजा के अस्पतालों से मरीज सफेद झंडे लेकर भाग रहे हैं। अलशिफा अस्पताल के अंदर तीसरे दिन भी इसराइल का कहर जारी, और सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीन के सभी अखबारों ने एक बहुत चौंकाने वाली खबर छाप दी है। दावा यह किया गया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तब इसराइल की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों को मार डाला था। लगातार 3 दिनों से गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई जारी है। और अब जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अरब मुल्कों और फिलिस्तीन के समर्थकों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खासकर फिलिस्तीन के अखबार इजराइल डिफेंस फोर्स की ज्यादतियों के बारे में जिस तरह के दावे कर रहे हैं, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल नजर आता है। फिलिस्तीन के अखबार लिख रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल के डिफेंस फोर्स ने घोषणा की है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अल शिफा अस्पताल को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। इस पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या कहा है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अल शिफा अस्पताल की परिस्थितियों पर बात करेंगे। पिछले 1 महीने से ही फिलिस्तीन के अखबार लिख रहे थे कि अल शिफा अस्पताल में 80,000 लोगों ने शरण ली है, लेकिन इन 80,000 लोगों का क्या हुआ? क्या ये लोग अल शिफा अस्पताल छोड़ के जा चुके हैं, या फिर अल शिफा अस्पताल के कैंपस में ही मौजूद है? इस बारे में अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि जो रिपोर्ट्स फिलिस्तीन के अखबारों के द्वारा दी जा रही हैं, वो ये है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर अभी भी 500 से ज्यादा मरीज हैं और लगभग 250 के करीब कर्मचारी इस वक्त भी मौजूद हैं, जबकि अल शिफा अस्पताल के अंदर 4,500 कर्मचारी नौकरी करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल लगभग खाली हो चुका है, लेकिन अब फिलिस्तीन के अखबारों में ये खबर छपी है कि जो मरीज अल शिफा अस्पताल के अंदर थे, वो सफेद झंडा लेकर अस्पताल से भाग रहे हैं, वो पैदल भागते हुए अस्पताल को छोड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इजराइल की आर्मी ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है। इसके अलावा जो लोग अस्पताल के बाहर नजर आ रहे हैं, उनकी तलाशी कपड़े उतार कर की जा रही है। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे अस्पताल को खाली करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ अल शिफा अस्पताल के निदेशक ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल अल शिफा अस्पताल के बाहर जिसको देख रहा है मार रहा है, इजराइल नरसंहार कर रहा है। इन सब के अलावा अल शिफा अस्पताल में मरीजों पर जो गुजर रही है वो अलग कहानी बयां कर रही है। अल शिफा अस्पताल में 4 प्री मैच्योर नवजात बच्चों की मौत की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा आईसीयू में कोई नहीं है, बिजली न होने की वजह से इलाज की सारी संभावनाएं अल शिफा अस्पताल में खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स इन सभी बातों का खंडन कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अस्पतालों को खाली करने के लिए 1 घंटे के मोहलत देने के दावे गलत है। इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार अपने पक्ष को और मजबूती देने की कोशिश कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक डे केयर सेंटर पर कब्जा कर लिया और ये दावा किया कि उसके डे केयर सेंटर से बहुत सारे हथियार मिले, और उनमें से ज्यादा हथियार ईरान के बने हुए, यानी कि अगर देखा जाए तो इजराइल डिफेंस फोर्स ईरान को इस पूरे मामले में घसीटने की जबरदस्त कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि इस डे केयर सेंटर से ड्रोन भी मिले हैं, और ये ड्रोन भी ईरान के बने हुए हैं। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन के युद्ध में भारी कोहराम मचाया था, और यूक्रेन के अंदर जिस तरह से लोगों को घुटनों पर ला दिया था, ये पूरी दुनिया को पता है, और ऐसे में हमास के पास से ईरान के ड्रोन का मिलना खतरनाक संकेत है।
इस बीच इसराइल के एक अखबार ने यह दावा किया कि 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो लोग मारे गए थे उसमें कई लोग इसराइल के लड़ाकू विमानों द्वारा गिराए गए बमों से मारे गए। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी फिलिस्तीन के तमाम अखबारों ने ये हेडलाइंस लगानी शुरू कर दी कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए लोगों को इसराइल ने ही मारा है। हालांकि इसका पूरा सच क्या है आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नोवा फेस्टिवल क्या था और इस नोवा फेस्टिवल में हुए आतंकी हमले ने इसराइल को कितना बड़ा घाव दिया है। दरअसल 7 अक्टूबर को जब इसराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था, उसी दिन गाजा की सीमा से थोड़ी दूर इसराइल के अंदर मशहूर नोवा फेस्टिवल चल रहा था। ये म्यूजिक फेस्टिवल इसराइल के अंदर हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में युवा शामिल होते हैं। इस नोवा फेस्टिवल में करीब 4000 लोग शामिल थे और जैसे ही आतंकवादियों ने हमला किया फेस्टिवल में भगदड़ मच गई और लोग भागने लगे। इस बारे में इसराइल के एक अखबार में बहुत बड़ा और नया दावा किया है, आगे आपको बताएंगे कि ये दावा क्या है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में कैसे सबसे ज्यादा लोग मारे गए। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए आतंकवादी हमले में इसराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इनमें से 360 लोग नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए थे। यानी अगर देखा जाए तो आतंकवादी हमले में जितने लोग मारे गए उसके 1/4 लोग यानी 25% लोग सिर्फ नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में ही मार दिए गए। यहां तक कि इसी नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से 50 लोगों को बंधक भी बनाया गया जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। इस नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की कई तस्वीरें भी मौजूद हैं, जैसे इस लड़की का नाम ओटेल बीन है जिसकी उम्र 23 साल की थी और ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के आतंकियों का शिकार हो गए। इसी तरह करीन जाने 24 साल की थी और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में ही इनकी हत्या कर दी गई। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में डीजे 42 साल के मतान किडो की भी इसी फेस्टिवल में हत्या कर दी गई थी। शीरा आलोन और अमित लाहौक की उम्र करीब 23 साल थी। ये दोनों लड़कियां बचपन की दोस्त थी और ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में आतंकियों के द्वारा मार दी गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमास ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले की कोई प्लानिंग की थी या ये महज संयोग था कि हमास के लड़ाकों को नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल के रूप में आसान शिकार मिल गया था। इस पर इसराइल के अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसराइल के अखबार का दावा है कि जब आतंकवादियों ने हमले के पहले दिन 7 अक्टूबर को ड्रोन से सर्विलांसिंग की थी तो उनको जानकारी मिली थी कि बॉर्डर के पास ही नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है और उसी दिन मौके पर ही ये प्लानिंग बनाई गई कि फेस्टिवल पर हमला किया जाएगा और उसके बाद हमास ने अपने प्रशिक्षित पैराग्लाइडर्स हवा से जमीन पर उतारे जिनके हाथों में बंदूकें थी और इन्होंने अपने अत्याधुनिक बंदूकों से सीधे जमीन पर फायर करके बड़ी संख्या में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लेने वाले लोगों को मारा था। इसी अखबार ने यह दावा किया है कि जब नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास के आतंकवादी ने हमला किया उस दौरान इसराइल डिफेंस फोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी आसमान में आ गए थे और उन्होंने आतंकवादियों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इन हमलों में कई इसराइल के नागरिक भी गलती से मारे गए थे जो कि म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे थे। हमास के आतंकियों ने जो किया है उसका बदला इसराइल ने बहुत क्रूरता से लिया है। गाजा में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की रूह कांप गई है। दुश्मन को किस तरह और कितनी बुरी तरह से कुचला जा सकता है इसका बेहतर खतरनाक उदाहरण इसराइल ने पेश किया है। अगर तस्वीर देखेंगे तो शायद आंखें फट जाए क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इसराइल धीरे धीरे अपनी जड़ों को बहुत गहरा कर रहा है और इस खूनी गदर के बीच में सैकड़ों ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो मलबों के अंदर अपने परिवार के सदस्यों की लाशों को तलाश रहे हैं। تحس انه ناقص شيء من حياتك وتعرف الوالد اساس الحياه وهي حاليا قاعد ببحث عنه عشان انا ارتاح نفسيا عشان انا اروح ادفنه بايدي لانه لو ضلوا موجود هيك انا برتاحش حتى كل ليله بصير احلم فيه بصير معي كابوس। हमास और इसराइल की जंग लगभग एक महीने से चल रही है और एक महीने की जंग में रिपोर्ट ये आ रही है कि अब तक 3000 से ज्यादा लोग इमारतों के मलबे के अंदर दफन है। ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। अभी हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके परिवार के 10 लोगों की मौत इसराइल की एयर स्ट्राइक में हो गई है और परिवार का खुशकिस्मत सदस्य बाकी परिवार के सदस्यों की लाश को मलबे के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है।
استهداف انه كان هناك احياء تحت الانقاض تكون الاولويات للاحياء على الاموات على الشهداء اسف على الشهداء ولكن بعد الانتهاء من عمل استخراج الاحياء والمصابين من اماكن مستهدفه يتم العمل على منظومه استخراج الشهداء الاقدم जंग को एक महीने से ज्यादा हो गए। अगर कोई एक महीने से मलबे में दबा हो तो उसका जिंदा रहना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह उसका अंतिम संस्कार किया जा सके इसकी जद्दोजहद के लिए भी गाजा पट्टी में गली गली में सैकड़ों जंगें लड़ी जा रही हैं। डंडे या लोहे की छड़ों से मलबों को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इन मलबों को हटाने के लिए ना कोई बुलडोजर है और ना कोई क्रेन। गाजा पट्टी को बारूद का रेगिस्तान कहें या मलबे का शहर कहें, गाजा पट्टी दर्द की पट्टी बन चुकी है। بيت خالتي تم استهدافه من قبل الطيران الحربي دون اي سابق انذار ودون اي مبرر وحتى اللحظه لم يتم انتشال سوى 10 شهداء وبقي عدد كبير من افراد المنزل تحت الانقاض وتحت بالتحديد في الطابق الاول والطابق الارضي. دوسری طرف حماس جو اس تباہی کا ساجدار ہے और जिसने इस तबाही की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 7 अक्टूबर का आतंकवादी हमला किया था, वो बिल्कुल घुटने पर नजर आ रहा है।